पिछे एक गल भी हो रही है भी अमृतसर अमृतपाल तो एजेंसियों का बंदा हर वर्ग की उन्होंने आवाज़ जी चुकी है आप उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खालसा पंथ सा खालसा कौम जो योग होगा वह अगवाई करेगा पहला योग तो कोई देखना पैना ना क्योंकि हम अभी मांग कर ली कल बाय चांस मतलब खुदा ना खासता भी असं वही अचीवमेंट तुम कहने भी तुम लै लें नहीं तो कौन मतलब आगू अमृतपाल अमृतपाल ही लायक ने जी जिहड़ा सिख राज यह जा राज होएगा कि महाराज रणजीत सिंह दे राज तो भी कई गुणा वधिया होएगा। अज दा वड्डा दिन जो कहते कि बड़े सारे नौजवान सिक्की सरूप दे विच वापस आउणगे खंडे बाटे का अमृत छकाया जाएगा मेरे नाल सपोर्ट करते हैं इतने मतलब बड़े सारे पंजाबी जिहड़े ने असीं कल भी तुहानूं दिखाया सी कि कोई जम्मू कश्मीर तो आ रहा कोई कितों आ रहा तो हुण जिहड़े मेरे नाल इत्थे खड़े ने इह पंज ककारां दी सेवा करनगे श्री साहब की सेवा करनगे मतलब जिन्हां ने अज अमृत छकना है तो उन्होंने साबत सरूप बनाउण दे विच इन्हां दा भी बहुत वड्डा जिहड़ा योगदान होगा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। नाम की तुहाडा जी? मेरा नाम जगमोहन सिंह है जी। मैं यूथ प्रेजीडेंट हाँ अकाली दल अमृतसर सरदार सिमरजीत सिंह मान पार्टी उन्होंने वालों गुरदासपुर जिले का मैं यूथ प्रधान इतने किस बाबत आए हो? असं आए हैं जी अज भाई अमृतपाल सिंह जी ने जो सद् दिता नौजवानों सिक्खी स्वरूप आने का अमृत भलाखी होने वास्ते असी एक सेवा सुसायटी ठीकरीवाल जथा भाई भुपिंदर सिंह जी NRI वीर की मदद के नाल उन्होंने सेवा करनी उन्होंने नाल आए हैं। सेवा कादी है? पांच ककार की सेवा है साड़ी ते एक श्री साहब 2.5 फुट 3 फुट वह भी आप जो चढ़ती कला वाले नौजवान होंगे उन्होंने आप सेवा उन्होंने वास्ते करा। अच्छा किन्ने लगता किन्ने नौजवान आउणगे अज क्योंकि असं भी उम्मीद करते भी बड़े सारे नंबर क्योंकि कल साडी गल हुई सी अमृतपाल हुणां नाल वो कहिंदे भी नौजवान सानूं लगता कि बड़ी वड्डी गिणती च आउणगे तुहानूं की लगता क्योंकि तुसीं कितना समान लैके आए हो नाल? देखो जी फिलहाल तो असं यही कह सकते कि गिणती तो परे आ असं अंदाजा नहीं कोई भी लगा सकते पर यह है कि माझे की धरती आ हमेशा जुझारूआं की धरती रही आ ते गुरु साहब नूं समर्पित रही आ ते उम्मीद आ भी बहुत ज़्यादा संगत इत्थे जिहड़ी आ थले भी तुसीं वेख सकदे हो काफ़ी संगत इस वक्त कोई लगभग 9 बजे आ ते इन्नी संगत आ गई आ ते 12 बजे तक तरीक तकरीबन टाइम आ जिहड़ा उन्होंने अमृत संचार शुरू करना तो उदों नूं बहुत ज़्यादा संगत हो जाणी। अच्छा नौजवानों नूं वापस जोड़िया जा रहा जड़ दे नाल असीं कहिंदे आ भी पहला किसान मोर्चा सी जदों असीं अपने जवाकां नूं दिखा दिता भी बई असीं उही आ जिहड़े महाराजा रणजीत सिंह हुणां वाले आ बाबा बंदा सिंह बहादुर अकाली फूला सिंह दे असीं मतलब जाए आ एक हुण अज दा इवेंट असीं कल दा इत्थे कवर करन लगे होए आ जुझारूपणा जिहड़ा नज़र आ रहा पंजाब दा पिछे एक गल भी हो रही है भी अमृतसर अमृतपाल तो एजेंसियां दा बंदा उहदे ते की कहिंदे जी? वेखो जी इस तां दुनिया के दोनों पास दंदे आ हाँ जी एक पासे तो जेडे गुरु साहब नूं समर्पित आ वह तो भाई अमृतपाल सिंह दे नाल आ पर जिन्हां नूं जेडे दोखी ने गुरु घर दे उन्हां नूं ये गल्लां चुभ रही क्योंकि संत जरनैल सिंह बाबा जरनैल सिंह जी होरां नूं भी इन्होंने कांग्रेस का एजेंट कहा सीगा पर वह हुण तक जदों उन्होंने अपना आप कुर्बान कर दिता तो फिर ही लोगों ने उन्होंने मनिया ने साडी हुण एक स्थिति बन गई है इदां दी पंजाबियों की खास करके भी आप जो बंदा सीस इतों चले जाता दुनिया तो फिर ही उसकी कदर करते हैं पर भाई अमृतपाल सिंह जी के नाल आप दिलों जुड़े हैं गुरु महाराज ने एक बहुत ही वड्डी कृपा की है कि सानू एक कह लिए कि काफ़ी दहाकों तो बाद सानू इदां दा आगू मिलिया। अच्छा आगू की गल हो रही है आगू तो चेता आया कहते जी इन्ने छोटे समय के किदा कोई एड्डा व्डे कद का हो सकता है ये पिछे जरूर कुछ ना कुछ हैगा आ दूसरे बन्ने वो लोग गल करते भी कल का आया हले नू साल 2 साल रहन देंदे सावत सरूप दे फिर कोई अहुदा देंदे तो ये ते की कहने हैं? वेखो जी ये गुरु नानक का घर आ इत्थे सकिंटां दे विच भी कांगो हंस बन जाते हैं ठीक है ये ये नहीं कोई जरूरी कि वो कल आया कि परसों आया अजे संत बाबा जरनैल सिंह तो बाद सरदार सिमरजीत सिंह मान उन्होंने काफ़ी तशद्दुद झले ते कौम की अगवाई की भावें कि दुनिया ने उन्हां दा उन्ना साथ नहीं दिता पर फिर भी उन्होंने एक स्टैंड दे उत्ते एक झंडा जिहड़ा वो बुलंद रखिया ते ये नहीं आपां कह सकते कि इहनूं इन्ना टाइम चाहिए वो होर भी तो लीडर है ही सीगे किसी ने अज तक इन्नियां आवाज़ चुकी आ कोई सारे पूरे पंजाब की पंजाबीयत की हर वर्ग की उन्होंने आवाज़ जिहड़ी चुकी आ आपां उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तो वो ये गल्लां बेफजूल आ जिहड़ियां लोग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सिख होमलैंड की गल हो रही है ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ? ਸਪੋਰਟ ਜੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
जे बनती है तो आगू कौन होगा? आगू जी खालसा खालसा पंथ सा खालसा कौम दे विच जिहड़ा योग होगा वह अगवाई करेगा। मतलब पहला योग तो कोई देखना पैना ना, क्योंकि हम अभी मांग कर ली कल बाय चांस, मतलब खुदा ना खासता भी असि वड्डी अचीवमेंट तुसीं कहिंदे हो भी लै लैंदे हो नहीं ते कौन मतलब आगू? अमृतपाल सिंह इस टाइम अमृतपाल सिंह लायक ने जी, अमृतपाल सिंह लायक ने। और वो जो हर श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी साहब जी शहीदी तो बाद कहा भी हुण चौंकड़े मार के शहीदियां नहीं करनियां तुसीं देणियां, हुण जिन्हें खालसा साहब से मत्था टेकना ना वह नौजवान दी विरोध करता अकाल तख्त साहब से हरिमंदर साहब आने का कोई हक नहीं हैगा। यह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का हुक्म जिन्हों अगे चला रहे ने, और गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृतसर बाटा छका के सानू जात पात तो रहत करके एक करके सारियां नू भी इकट्ठे हो गए ये जंग लड़ो तो सारे का साथ दो। जिहड़ा सिख राज आ इह जिहा राज होएगा कि महाराणजीत सिंह दे राज तो भी कई गुणा वधिया होएगा। अच्छा चलो ये तो समा दसूगा, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह दा राज ते देख चुके लोग परख चुके है ना, यह आने वाली गल्लां। पर दूसरे बन्ने तुसीं कहिंदे आ भी जिहड़ा सिख आ पर सिख नूं लै के भी जदों असीं कहिंदे आ भी सिख बन गया सी, गुरु का सिख नहीं, अजकल बड़े सारे मजहबी सिख, रामगढ़िया सिख, जट सिख, फलान सिख, जिहड़ा सिख आ उह सिख आ। तुहानूं लगदा कि कितें ना कितें कौम दे विच इह जिहड़ी गलतान है जिहड़ी इह थोड़ी जी कहिंदे आ भी वक्खरे वक्खरे जिहड़ा सिख ही आ गया उह गुरु का ही होया फिर है ना, इह भी खत्म हो जाणा चाहीदा? नहीं जी, जिहड़ा सिख आ इह गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच लिखिआ, सारे भगतां ने लिखिआ, रविदास भगत ने आपूं रविदास लिखिआ, नाई लिखिआ, सिंभा लिखिआ। जदों दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद साहिब जी ने खंडे बाटे का अमृत छकाया, जिन्हां ने अमृत छक लिया वह सिंघ सज गए गुरु के, एक खंडे बाटे तो एक बाटे मूह ला के सामने छक लिया, उन्हां दी कोई जात पात नहीं हैगी। अच्छा मैं यह सवाल तो पूछण डिया, तुहानूं भी पता साडे पंजाब च जात पात तो हैगी आ, चाहे वह अमृत छक लैंदे आ फिर भी एक्सैप्टेबिलिटी नहीं हैगी है ना। मैं एक थोड़ा जिहा क्वेश्चन तुहानूं भी करदा, हुण आपां इत्थे किन्ने सिंघ बैठे आ खड़े आ, इन्हां विचों तुहानूं की लगदा कि किहड़ी जात दे होणगे? मैनू सारे सिख लगन डे आ, पर मैं तुहानूं भी पता है कि इह पिंडां दे विच है कि नहीं है ये दस्सो। वो जो है वो असल में जो मनिया जाए तो गुरु नानक के फलसफे नहीं मानते, वो सिख नहीं हो सकते साडियां नजरों में भी नहीं, तो गुरु दी नजरों में भी सिख नहीं हो सकते। दूसरे बन्ने एक सवाल यह उठता कि एसजीपीसी किन्ने चिर की स्थापित आ, ये धारणा ही नहीं क्यों टुट सकी, क्योंकि एडे वे प्रचारक आ हर जिले के, मैं लगता पांच पांच छे छे प्रचारक तो होणगे क्योंकि बजट ही बहुत अकड़ा आ। अज तक मैं नहीं देखा भी मेरे जिले के प्रचार करना है भी फलाना सिख है जी, तो इहनू कहिंदे किसी ने आ नहीं कहना गुरुद्वारा साहब जाऊगा, इहनू किसी ने कहना भी अका तू पिछे बह जा, कितने ना कितने तो है ना कोई हूं तो ही रही है। बिल्कुल जी, जी साडी श्रोमणी कमेटी संस्था ये एक तो गुरु के प्रबंध वास्ते होंद आई सी ठीक है, ते पर ये बहुत ही कह लिए कि एक नीवे पद्धर का जड़ा ये योजे काम कर रही है, वैसे अदरवाइज गुरु नानक देव से बिल्कुल नहीं चल रही, तो ये इस टाइम सेंटर के अधीन चल रही है, यानी कि सानू सारे हंबला मार के आजाद करना चाहिए। दूसरे बने सुखबीर बादल होनी है, कोई कहें जी चला बादल परिवार वो भी तो मानते हो जी? बिल्कुल जी, जे संगत है तो भी तुम की कह रहे ये बारे की कहें? देखो मैं मेरा काम सवाल पूछना लोग तक तो ट्रायल जाने तुसी भी तो साडे वर्गे भरा हो हां जी, ये तो है ना तुहानूं दाड़ी वधी वाला सिख नहीं हो सकदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इहदे विच तो यह मनना पएगा कि वह किस दे अधीन चल रहे हैं, तो उन्हों का प्रभाव आ इस परिवार का बिल्कुल श्रोमणी कमेटी के उत्ते। इस बीबी जगीर कौर इस बार बागी सुरां दे विच आ, तुहाडा साथ होगा जे वह चोण लड़नगे तां? जी वेखो जी, जे आपां की कहिंदे हुंदे 100 चूहा खा के बिल्ली हज नूं चली, तो ये हूँ उन्होंने कोई अपन हो सकती, असं ये बारे कुछ नहीं कह सकते। सिख होमलैंड बनती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहेंगे या फिर कल सिख हो? हाँ जी बिल्कुल मिल के रहेंगे जी, बराबर अहदे दिते जाएंगे उन्होंने, सारे धर्मों का सत्कार होगा, सारे धर्मों का सत्कार होगा। सिद्धी स्पष्ट गल है कि पंजाबी दे विच कि एक देश बनना भाजी, ना कि एक गुरद्वारा मस्जिद या मंदिर बनना कि जिथे एक ही धर्म आ सकता, धर्म अलग चीज़ है राजनीति अलग चीज़ा, एक राजनीतिक मसला ये सारे, क्योंकि सिखा का भी क्योंकि जेड़े वेखो लाले ने अजक है ना व्यापारी ने हर वर्ग के ने, उन्हों तो बगैर एक देश चल ही नहीं सकता। हाँ जी उन्होंने बिल्कुल जरूरत आ, तो वह जे महाराज रणजीत सिंह वेले सारे इतने रेंदे तो हूँ भी इतने रहेंगे, एक देश बनना ना कि एक गुरुद्वारा साहब है जो धार्मिक स्थान बनना। बहुत बहुत शुक्रिया।
वाकई जो सिख मर्यादा की गल करते हैं रैतल की गल करते हैं तो साडे गुरु साहबाना ने उन्हां कौम दे लई भी अपनियां शहीदियां पा लईयां जिहड़ी कौम कह लईए कि सिख नहीं सी। सानू सब नू पता है कि कश्मीरी पंडितां दे लई श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी बहुत कुछ होर भी जिहड़ा आ श्री गुरु रामदास जिहड़े शहर च असीं अज कहिंदे आ अमृतसर दे विच इह श्री गुरु रामदास जी हुणां दा वसाया होया शहर है जिथे वपारी वक्खरे धर्म दे उन्हां ने लियांदे वक्रे वक्रे धंधिया के नाल संबंधित लोग लियांदे पर कि ना कि रैतल जी गुरु मर्यादा की रैतल है या फिर कह लो कि सिख फलसफे की रैतल आ शायद असं भुल गए। पिंड चार छत गुरद्वारा साहबान है फिर फलाने धर्म का वक्रा जी गुरद्वारा जी आ फलाने जात का वक्रा गुरद्वारा आ वह कि ना कि असी उतों बिछड़ते इतने तक पहुँच गए हैं कि असी सिख न भी मजहबी सिख रामगढ़िया सिख फलाना सिख कर लिया। इतने अज अमृत संचार गुरु के बाटे का अमृत जो छक के साबत स्वरूप बनना वो बारे गलबात करांगे। लगातार कोशिश हो कि अपडेट थोड़े तक पहुँचती रहे। कैमरामैन मोनू के नाल मैं जतेंद्र सिंह खहरा अमृतसर तो जगबाणी टीवी के लिए।